आप सभी तो मेरे नमस्कार, मैं शगुन उनियाल। सबसे पहले तो आप सभी तो बहुत बहुत धन्यवाद कर दो कि आप सभी उनमें था इतना सपोर्ट करी, और आशा कर दो कि अगले भी आप सब में था इन्हीं सपोर्ट कला और मेरा गाना इन्हीं सुन ला। और मैं अपना पहाड़ी की संस्कृति का गीत जो छन वो ज़्यादातर गाणू छो, ताकि हमारा पहाड़ी की संस्कृति तय लोग पहचानो। और मेरे एक बहुत ही प्यारो गीत है रंगीलो मुलुक, जो कि हमारा पहाड़ी की संस्कृति पर से, तो मैं आप सभी तो वो सुनाना छो। आशा कर दो कि आप सभी तो पसंद आलू। रंगीलो मुलुक जे मेरा डांडा धार मां, रंगीलो मुलुक अजे मेरा डांडा धार मां, रतेलु पहाड़ घुमोलो घुमोलो ते तेरोला सार मां। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम दोनों कलाकार हैं, मैं सुनील धबलियाल और नीरज कुमार भाई दोनों, और गढ़वाली जौनसारी कुमाऊनी अकादमी के माध्यम से आज एक सुंदर कार्यक्रम दिल्ली के इंदिरा पार्क गीता भवन में होने हुआ आज ये कार्यक्रम। और तमाम कलाकारों ने अपनी अच्छे से प्रस्तुतियाँ दी है, और दिल्ली गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम जैसे कलाकारों को मौका मिलता रहता है। नीरज भाई कुछ कहना को आप? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं सबसे पहले कुलदीप भाई का, कुलदीप भंडारी जी का, जो कि मतलब ये गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी एकेडमी के जो उपाध्यक्ष भी हैं, और हर जगह पे मतलब उनका जो सेवा जो अपनी देते रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले मैं कुलदीप भाई को। उसके बाद आज के जो सबसे बड़े निर्देशन हमारे जो प्रोग्राम के जो निर्देशन थे बड़े भाई बेस्ट जी हमारे, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बड़े भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी मतलब लोगों के बीच में जाके, जो प्रोग्राम्स के बीच में जाके सारे कलाकारों से बात करते हैं, है ना, अपनी बातें रखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, और लोगों तक जो ये बातें होती हैं ना आप पहुँचाते हैं, तो आपको भी इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद है सबसे पहले, है ना। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पहाड़ के जो लोग, हमारे पहाड़ का समाज इकट्ठा होता है एक जगह पर। ये जो देवभूमि एसके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, क्योंकि भाई जितने भी कार्यक्रम होते हैं भाई हमेशा उन कार्यक्रमों में आते हैं अपनी, और अपनी पहाड़ की जो झलकियाँ हैं, अपने पहाड़ के जो भी चीज़ें सारी हम दिखाते हैं आप लोगों को, तो वो भैया आपको सीधा दिखाते हैं ऐसे यूट्यूब के लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि भैया ऐसी आगे भी जो है अपने पहाड़ की संस्कृति को लोगों के बीच में जो इसके यूट्यूब के माध्यम से जो आप सबको दिखाते रहें। तो जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद धन्यवाद। आप सभी को मैं किशोर कपड़वाल का प्यारा भरा नमस्कार। आज हम जुड़ रही देवभूमि एसके चैनल लगे, और यो चैनल हम संस्कृति के सजोए हुए छूँ, और बड़ सुंदर सुंदर नृत्य तुमको मैं झोड़े चाचेरी और सुंदर सुंदर पहाड़ी गीत तुमको यो चैनल में सुनने का मौका मिलल, कि जरूर देखिया, लाइक करिया, शेयर करिया और सब्सक्राइब करिया। तुमको एक मैं अपने पहाड़ी गीत जो मुझे बहुत प्रिय छूँ वो सुनानू, जो हालू में मिल गए रहो रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो दी लाइन हो पारे डाना बुरुसी फुली रे, हो मेले कौछी मेरी हिरुआई रे, हो पारे डाना बुरुसी फुली रे, हो मेले कौछी मेरी हिरुआई रे, हिरुआई रे मेरी हिरुआई रे, पारे डाना मेरी हिरुआई रे, केले बजे मुरुली बेड़ा ऊंची नीची डान्यू मा, केले बजे मुरुली बेड़ा ऊंची नीची डान्यू मा, मेरी में तकी भगवती तू देनी है जाए, कुशल मंगल मेरा स्वामी घर लाए, स्वामी पर देसा मेरा उजरीला में माँ, केले बज मुरुली बेड़ा ऊंची नीची डान्यू माँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवभूमि एसके।
नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। और आप मेरे को देख रहे हैं देवभूमि SK यूट्यूब चैनल से। और बहुत ही अच्छा जो ये चैनल है और निरंतर जो है कलाकारों को लेके सभी समाज के बीच में उत्तराखंड की संस्कृति को लेके प्रस्तुत करते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले देवभूमि SK उत्तराखंड चैनल का। और मैं राहुल भट्ट, एक नन्ना सा कलाकार, पर्वतीय कला संगम के द्वारा आप लोग के बीच में जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि आप लोग मेरे निरंतर गानों को देखते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है कि जब कोई दर्शक जो है कलाकारों का इतना प्रोत्साहन करते हैं और उनको इतना आगे बढ़ाते हैं। तो ये आप लोग का प्यार है, आप लोग का आशीर्वाद है। तो नमस्कार दगड़ियों, म्यार नाम सोमचंद तड़ियाल, सभी तरह सेवा सौली मीच हूँ। आज ना उत्तराखंडी प्रोग्राम में आई हूँ मैं, और म्यार नाम कई लोगों ने सुनी ओल्ड उत्तराखंड माँ जन। आज मैं यार एक गाना आई हूँ, ओ मधुबाला शहर सब देखना भी होला, जे माँ डायरेक्शन दी कांता प्रसाद। और म्यार और भी गाना है चंद जैसे पहली, जे माँ चंद म्यार नो सुरमा तेरा प्यार माँ, चुपरो छोरी बांध नखरियाली, मेरी शाली शामा आखिरी बांध। यार 10-12 गाना आएंगे इन उत्तराखंडी संस्कृति नौ से। और मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने उत्तराखंड को, और इसकी मिट्टी के लिए मैं हर चीज़ करना चाहता हूँ। हर वक्त मैं कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता हूँ कि अपनी संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अपनी मातृभूमि, अपनी देवभूमि, और अपनी जो देवभूमि है उसके लिए हमें हर किसी को जागरूक होना होगा। चाहे हम शहर में रह रहे हों, चाहे बाहर कहीं भी रह रहे हों, हर किसी को अपनी देवभूमि उत्तराखंड के लिए कुछ ना कुछ जरूर प्रयास करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी प्रयास हो। जैसे कि आजकल हम एक दूसरे से समय नहीं निकाल पाते हैं अपनी संस्कृति के लिए। तो दोस्तों, सभी से मेरा निवेदन है, मैं सोमचंद तड़ियाल, और मेरा गाना आज सभी लोग देखना ओ मधुबाला, वहाँ से सबको मेरे बारे में भी पता चल जाएगा। और सभी को सेवा सौली, और जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, आपका दोस्त सोमचंद तड़ियाल। थैंक यू, जय हिंद। नहीं, मेरा नाम दीक्षा है, मैं हम यहाँ पे प्रोग्राम देखने आए, हमने डांस किया, हमारा पहला था और हमने खुद डांस सीखा, ठीक है। और मेरा नाम रिया है, और हमें इस बार भगवत वंदना सर ने डांस सिखाया है, और हमारा मैशअप था। दोस्तों, देवभूमि SK चैनल में आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ मौजूद हैं श्री साकम सिंह रमोला जी, जो उत्तराखंड के उभरते हुए कलाकार हैं, सुप्रसिद्ध हमारे गायक हैं। आइए उनसे मिलते हैं, उनसे दो शब्द जानेंगे कि वो अपने उत्तराखंड को कोई मैसेज देना चाहें। आइए मिलते हैं, आपका स्वागत है सर। नमस्कार जी, आज हमारे द्वारका विधानसभा में ये तीसरा कार्यक्रम है गढ़वाली कुमारी जौनसारी एकेडमी का, और बहुत अच्छा प्रयास है जो हमारे यहाँ पे हमारे डब्बू भाई पोखरियाल जी हैं, उस एकेडमी के सदस्य हैं, और उनका प्रयास है कि शहर में भी हम अपने देवभूमि को लोगों को रूबरू करवाएंगे, पहाड़ से रूबरू करवाएंगे, पहाड़ की जो भाषाएं है गढ़वाली कुमाऊँनी जौनसारी उससे रूबरू करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डब्बू पोखरियाल जी का और एकेडमी का। और मैं आप सभी को कहूँगा कि आप कहीं भी अगर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, चाहे कोई भी संस्था करवाती है, कहीं भी पहाड़ के कार्यक्रम होते हैं, तो मैं सभी पहाड़ी भाई से निवेदन करूँगा कि आप वहाँ बढ़ चढ़ का हिस्सा लें, और अपनी पहाड़ी बोली भाषा जो भी आपकी गढ़वाली कुमाऊँनी है तो उस पर ज़रूर वो बोली सीखें, और अपने बच्चों को भी सिखाएं। कहीं ये ना हो कि आने वाली जनरेशन हमारी पहाड़ की बोली भाषा को भूले, और उसके लिए ये सबसे अच्छा ये कार्यक्रम है। यहाँ पे हम सीखते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, और अपने संस्कृति को प्यार करते हैं, और हमें जुड़ाव होता है इन ऐसे कार्यक्रमों से। धन्यवाद दादी आपका। और हम अभी दो गीत सुनेंगे दादा से। ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी, पहाड़ा ठंडो पानी सुन कति मीठी बाणी, छोड़नी नी लागेनी, हाय हाय छोड़नी नी लागेनी, पहाड़ महिमालया वो देवतरानी, पहाड़ महिमालया वो देवतरानी, देवी देव वास कनी देव भूमि कोनी, देव भूमि छोड़ी भैरा जननी लगेनी, जन्मभूमि छोड़ी भैरा जननी लगेनी, जननी लागेनी, हाय हाय छोड़नी नी लागेनी, तेरी खुट्यू मा लगली कुत गली, लागला पराज सुमन तू ना वे नाराज, तेरी खुट्यू मा
लागली कुत गली लागला पराजे सुमन तू नवे नाराजे सगड़ी बणिच सुमने सगड़ी बणिचा तेरी मुखूड़ी क्या ले भाई ई खुद लगी चा तेरी खुट्यू मां लागली कुत गली लागला पराजे सुमन तू नवे नाराजे। धन्यवाद दादी, बहुत सुंदर इसके चैनल के माध्यम से। और हमारे को दिल्ली में जो आप लोगों ने हमारे को पहुंचाया सांस्कृतिक संध्या में, जो भी प्रोग्राम हमारे गढ़वाली संस्था से होता है आप लोग वहां पे जागरूक करते हैं हम लोगों को, तो इसके माध्यम से और एसके के माध्यम से हमारा संस्कृति जागरूक है। तो मैं सबसे पहले दिल्ली सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि गढ़वाली कुमारी जोन सारी जो भी प्रोग्राम दिल्ली में होते हैं और बहुत सुंदर हमारा यहाँ पे प्रोग्राम चलता है। तो मैं डब्बू भाई पोखरियाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र में गढ़वाली का जो भी प्रोग्राम होता है तो यस के चैनल के माध्यम से बहुत उजागर होता है। देश विदेश प्रदेशों में भी यस के भाई ने बहुत सुंदर प्रोग्राम दिखाया लोगों को अपने यूट्यूब चैनलों के माध्यम से। तो हमारे बच्चे बच्चे घर घर तक हम लोग जुड़ गए इसमें उत्तराखंड सांस्कृतिक संध्या में। दिल्ली में रहते रहते हम लोग को पता नहीं चलता कि हम दिल्ली में हैं या उत्तराखंड में है। पूरी सुविधा सांस्कृतिक समिति के माध्यम से और दिल्ली सरकार के माध्यम से एसके भाई के चैनल के माध्यम से बहुत सुंदर हमारे को उत्तराखंड सांस्कृतिक संध्या का यहाँ पर सब कुछ मिलता है सीखने के लिए। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं अभी दिल्ली में, तो वो भी सारा कुछ सीखते हैं एसके चैनल के माध्यम से। और यहाँ पे डब्बू भाई द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मतलब 3 महीने में एक न एक प्रोग्राम लेके आते हैं उत्तराखंड के लिए बच्चों के लिए। तो बहुत सुंदर हमारे को लगता है यहाँ पे कि हम लोग कुछ ना कुछ दिल्ली में रहते हुए सीख रहे हैं। उत्तराखंड के सब व्यंजन है यहाँ पे, रीति रिवाज है, सभी चीज़ हमारे को यहाँ पे दिल्ली में मिलता है। तो मैं एसके भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भाई नमस्कार, मेरे आपसे निवेदन है, हम उत्तराखंड धाम के निवासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है उस देश के निवासी हैं। और जो हमारी ये भाई पोखरियाल भैया ने ये कार्यक्रम करा बहुत अच्छा है, ये भैया हमेशा ऐसा करते रहेंगे, हमें बड़ी खुशी होगी। और जो मेरे साथ ये उत्तराखंड के लोग हैं भाई बहुत अच्छे हैं, एक नेगी भाई हैं। अरे पता नहीं कौन भाई भैया, आप नाम? दिनेश रावत हैं, मैं धनवंती राणा हूँ। धन्यवाद। Thank you.